जब से मऊ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर ने जनपद की कमान संभाली है, अपराध और अपराधियों का नाश शुरू हो गया है। और आज इसी कड़ी में थाना दक्षिण टोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बख्तावरगंज पुलिया के पास एक स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया, जिस पर स्कूटी सवार ने स्कूटी मोड़कर भागने की कोशिश की। चूंकि पुलिस पहले से ही सतर्क थी और तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने स्कूटी सवार को घेर लिया व स्कूटी सहित स्कूटी सवार को पकड़ लिया। स्कूटी को चेक करने पर स्कूटी की सीट के नीचे से डिक्की से 540 ग्राम हीरोइन जिसकी कीमत लगभग 54 लाख रुपए की बरामद कर स्कूटी UP 61 AA 6575 को सील कर अभियुक्त मोहम्मद शाहिद पुत्र कयामुल हक निवासी रजदेपुर नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उक्त कार्रवाई टीम को पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर ने 10,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया। PLL न्यूज के लिए शादाब काजमी की रिपोर्ट। सर कितनी पकड़ी गई, कितनी मात्रा? 540 ग्राम सर। और इसके साथ कोई और पकड़ा गया है क्या? वो तो अभी हटाया गया, वही पकड़ा गया एक आदमी। क्या नाम है सर उसका? नाम मोहम्मद शाहिद। कहाँ कराने वाला है सर? मोहम्मद शाहिद जो है रजदेपुर नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर कराने वाला है। कहाँ से? उनकी सूचना थी कि कोई आदमी यहाँ आकर इस तरीके का करता है, उस पर हमारी टीम लगी हुई थी। कल सूचना जब मिली शाम को कि ऐसा एक आदमी है स्कूटी सवार, उसको रोक करके तस्दीक किया गया तो पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसकी आपको सूचना मिल गई। और फिर जब तलाशी वगैरह ली गई तो ये सारी चीज़ें। कितनी कीमत होगी सर इसकी जो पकड़े गए? इसकी मार्केट में वास्तविक कीमत 54 लाख। 54 लाख करीब। तो के पुलिस टीम को कुछ आपकी तरफ से है? मेरी तरफ से पुलिस टीम को पूरा 10,000 का इनाम। इसके और भी गिरोह के सदस्य मिले हैं, मतलब कि ये पता चला है कुछ? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि इस तरह के काम करने वाले लोग जो हैं बहुत कुछ नहीं बताते, लेकिन ये जरूर बताया कि बाराबंकी उधर से है। बाराबंकी चूंकि बारफी का पुराना जिला है, वहाँ काफी काम होता है। यहाँ किसे देने जा रहा था इसके बारे में कुछ पता है? ये नहीं बताया, ये छोटी छोटी सप्लाई करता है ना, किसी को 10 ग्राम किसी को 20 ग्राम देकर जो यूजर्स।